हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फिर लेके आया हूँ। देख सकते हैं हमारे पास फ्लैटॉन का एक 21 इंच का एक एलजी टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो होता है देख लीजिए। मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो पावर इंडिकेटर जल जाता है। जलने के बाद हमारा टीवी जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो स्टार्टिंग भी हो जाता है। स्टार्टिंग होने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है वो भी देख लीजिए। पावर देने के बाद भी दोस्तों देखिए हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है। स्टार्टिंग होने के बाद भी हमारा स्क्रीन पे जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर हमारा नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है वो हमारा स्क्रीन का ऊपर के हमारा वीडियो है। और देखिए मैं जब इसको एबी पे ट्रांसफ़र करता हूँ, एबी पे ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा टीवी पे जो एबी आना चाहिए, एबी कनेक्टेड हुआ है, उसका जो ऑडियो है वो ऑडियो आ रहा है। लेकिन हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए थोड़ा सा भी पिक्चर नहीं है। मतलब दोस्तों इसका फोकस ख़राब हो सकता है, या फोकस ख़राब हो सकता है, स्क्रीन ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हमारा ESD रनिंग भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या करते हैं इसको देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद ही देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। दोस्तों मैं साउंड को बंद कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, मैं साउंड को कम कर लिया हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा 21 इंच का हमारा ट्यूब, इसका योक कोयल, और ये रहा बेस पीसीबी, और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी से नहीं है, हमारा बेस पीसीबी से प्रॉब्लम आया है। फिर भी मैं ESD ऑन हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं। इसलिए मैं मेन पीसीबी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा मेन पीसीबी रनिंग है या हमारा ESD रनिंग है या नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ पीसीबी को पलट चुका हूँ, और पलटने के बाद मैं एक एक करके वोल्टेज चेक करूँगा। जैसे हमारा वोल्टेज होता है जो हमारा पावर सेक्शन से आउट करता है जो वोल्टेज, वो वोल्टेज होता है हमारा 120 वोल्ट जो B+ होके आता है। उसके बाद हमारा रेगुलेटर सेक्शन के लिए एक वोल्टेज दिया जाता है। देखिए मैं पावर दे चुका हूँ, और पावर देने के बाद पावर सेक्शन से शुरू करता हूँ। देखिए ये वाला जो हमारा ESD को सप्लाई दिया जाता है B+, वो देखिए 113 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद देखेंगे जो रेगुलेटर के लिए सप्लाई दिया जाता है वो देखिए 10.9, और जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई दिया जाता है वो देखिए 15.2। मतलब पावर सेक्शन सही है। उसके बाद देखेंगे हमारा रेगुलेटर सेक्शन पे क्या क्या वोल्टेज होता है वो पहले तो चेक कर लेते हैं। ट्यूनर सेक्शन पे जो हमारा 5 वोल्ट होता है देखिए 4.9, मतलब 5 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद देखेंगे हमारा 5 वोल्ट कैसे बनता है। पहले पावर सेक्शन से शुरू करते हैं। पावर सेक्शन से 10.9 जो वोल्टेज होता है 10.9 वो वाला वोल्टेज आके हमारा ये जो हमारा 4 पिन का एक रेगुलेटर लगाया हुआ है ये वाला रेगुलेटर पे आता है। और रेगुलेटर पे आने के बाद इस पर इन पिन होता है पहला वाला पिन, और दूसरा वाला पिन पे आउटपुट करता है, और तीसरा वाला होता है हमारा ग्राउंड, और चौथा वाला होता है हमारा 3.3 जो हमारा स्विचिंग पिन बोला जाता है। देखिए हमारा 3.3 आ रहा है। उसके बाद हमारा आउटपुट करता है 9 वोल्ट, जो 10.9 आ रहा था उस पर आउट करता है 9 वोल्ट भी ओके है। उसके बाद आता है हमारा 5 वोल्ट का कनेक्शन, जो 9 वोल्ट आउटपुट करके आता है एक रेजिस्टर भाया करके, आने के बाद इस पर हमारा 7.5 वोल्ट मिलता है। उसके बाद आउटपुट करता है हमारा 5 वोल्ट 4.9। और एक रेगुलेटर होता है जो स्टार्टिंग होने के बाद ही हमारा एक वोल्टेज तैयार करना शुरू कर देता है, जो रेगुलेटर पिन पे हमारा 3 वोल्ट जो आता है हमारा मेन प्रोसेसर से, वो मेन प्रोसेसर को रन करने के लिए एक वोल्टेज जरूरी है जो 3.3 होता है। देख सकते हैं ये वाला रेगुलेटर
जो हमारा इंड पिन होता है इस वाला पॉइंट पे जो 5 वोल्ट होता है, और दूसरा वाला पिन होता है हमारा आउटपुट जो 3.3 होता है, और तीसरा वाला पिन होता है हमारा ग्राउंड। इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं रहता है, ठीक है। मतलब हमारा सभी रेगुलेटर वोल्टेज सही दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारा रेगुलेटर वोल्टेज सही हो गया है, हमारा पावर सेक्शन सही हो गया है। इसके बाद देखेंगे ईएसटी सेक्शन। देखिए दोस्तों, हमारा अभी तक हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है, उसके बाद देख लेते हैं हमारा ये वाला ईएसटी सेक्शन। ईएसटी सेक्शन पे क्या होता है, हमारा बी प्लस इनपुट होता है। बी प्लस मतलब हमारा 110 12 20 वोल्ट, देखिए 113 आ चुका है। उसके बाद हाई स्क्रीन का हाई जो वोल्टेज तैयार करता है वो हॉरिजेंटल जो फ्लिप आने के बाद, उसके बाद हमारा ये वाला स्क्रीन पॉइंट हाई हो जाता है, उसके चेक नहीं करना है नहीं तो हमारा मीटर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारा 180 वोल्ट या हमारा 200 वोल्ट जो बनता है, देखिए 195 बन रहा है, जो हमारा बेस को कनेक्शन बेस को सप्लाई दिया जाता है कलर फिल्टरिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा एक एसी पे वोल्टेज होता है जो 3.3 होता है या 2.2 होता है, जो हमारे फिलामेंट को ऑन करने के लिए होता है, जो हमारा फिलामेंट ऑन है, देखिए फिलामेंट ऑन है मतलब हमारा ईएसटी ऑन है और हमारा पिक्चर भी आना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं ये जो प्रीसेट है प्रीसेट को हाई कर देता हूँ, हाई करने के बाद भी हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है। इसको थोड़ा सा लो कर देता हूँ। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा ईएसटी रनिंग है लेकिन कुछ भी पिक्चर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा बेस पीसीबी पे प्रॉब्लम है। बेस पीसीबी पे कहाँ पे प्रॉब्लम है वो देखने के लिए, पहले तो दोस्तों हमारा 180 वोल्ट मिल जाता है इस वाला पॉइंट पे, जो हमारा ईएसटी से निकल के वोल्टेज निकल के आता है ये वाला पॉइंट पे। देखिए हमारा 194 दिख रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज आ चुका है। उसके बाद देखेंगे हमारा आरजीबी पे कितना वोल्टेज है, जो आरजीबी पे तो हमारा ये वाला जो हमारा आईसी से निकल के आता है उस पर देखिए ब्लू बी वाला पॉइंट है, BGR हमारा ब्लू वाला कनेक्शन पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है 3.2। उसके बाद भी हमारा जो जी है उस पर भी 2.4 दिख रहा है। उसके बाद आर जो है वो भी हमारा 2.3 दिख रहा है। मतलब हमारा आईसी से जो आरजीबी वोल्टेज आना चाहिए वो वाला वोल्टेज आ चुका है। उसके बाद हमारा फिल्टरिंग करने के बाद जो आरजीबी पे वोल्टेज होता है वो देख लेते हैं। ये वाला हमारा जी के मतलब हमारा ग्रीन वाला कनेक्शन है, देखिए जी के कनेक्शन लिखा हुआ है, उस पर हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है 136। और इस पर बी के पे चेक कर लेते हैं, मतलब ब्लू कलर पे चेक कर लेते हैं, उस पर कितना वोल्टेज आ रहा है 95। उसके बाद और एक वोल्टेज होता है जो आर के लिए होता है वो देख लेते हैं, आर के ए वाला, इस पर भी 137 दिख रहा है। बी के पे थोड़ा कम दिख रहा है, जो भी हो हमारा कलर का पॉइंट पे प्रॉब्लम लेके नहीं आया हूँ, मेरा पिक्चर पे प्रॉब्लम लेके आया हूँ। दोस्तों हमारा करीब सभी सिस्टम ओके चल रहा है लेकिन फिर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। हमारा जो पीसेट होता है, जो ईएसटी का पीसेट होता है, नीचे वाला जो पीसेट होता है वो वाला पीसेट हमारा फोकस जो हमारा लाइट होता है लाइट के लिए होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो हमारा फोकस के लिए होता है, जो हमारा क्लियरनेस के लिए होता है। लेकिन हमारा लाइट वाला ही प्रॉब्लम है। लाइट वाला पॉइंट कहाँ पे आता है वो देख लीजिए, लाइट वाला जो पीसेट होता है, जो स्क्रीन कहा जाता है वो वाला पीसेट का पॉइंट आता है ये वाला सोरू वाला जो पतला वाला जो वायर रहता है ये कनेक्टेड होता है, और मोटा वाला जो वायर रहता है ये हमारा फोकस के लिए है। देखिए हमारा बेस पे जो मोटा वाला जो वायर कनेक्टेड है ये हमारा फोकस के लिए, और पतला वाला जो वायर कनेक्टेड है ये वाला हमारा लाइट के लिए, जो स्क्रीन कहा जाता है। वो स्क्रीन का कनेक्शन कहाँ पे लगता है, इस वाला पॉइंट पे, जो बेस पे पीछे साइड पे बेस बोर्ड पे पीसीबी पे इस पे कनेक्ट होता है। और कनेक्ट होने के बाद हमारा ये वाला
जो पीएफ दिया जाता है पीएफ से कनेक्टेड होके ग्राउंड किया जाता है, और जो पॉइंट निकलता है वो वाला पॉइंट हमारा बेस पीसीबी पे जाता है, और बेस पीसीबी पे जाने के बाद ये हो जाता है हमारा G2, और G1 जो कहा जाता है वो हमारा ग्राउंड होता है। छोड़िए, ये जो G2 होता है, ये G2 पे जब तक हमारा वोल्टेज सही नहीं रहेगा तो हमारा लाइट नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइट का वोल्टेज जरूरी होता है, नहीं तो हमारा पिक्चर ट्यूब पे सभी सही रहेगा तो सही है, नहीं और फिर भी हमारा लाइट नहीं आएगा। इसीलिए मैं फिर से पावर दे चुका हूँ, और पावर देने के बाद टीवी स्टार्टिंग हो चुका है, और स्टार्टिंग होने के बाद G2 पे वोल्टेज चेक करेंगे इस वाला पॉइंट पे। ये हमारा G2 का पॉइंट है, और G2 पे दिख रहा है 4.3। ये हमारा मिनिमम 250 वोल्ट से 300 वोल्ट तक होना चाहिए, नहीं तो स्क्रीन नहीं आएगा। मैंने जब चेक किया तो हमारा G2 का जो कनेक्शन है वो G2 पे हमारा इस पे वोल्टेज कितना दिखेगा, देखिए ये हमारा वोल्टेज दिख रहा है ओवरलोड, मतलब हमारा बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए हमारा 300 से हमारा 355 वोल्ट आ रहा है, ये वाला वोल्टेज आना चाहिए था हमारा ये वाला G2 पॉइंट पे। ये G2 पॉइंट पे हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब ये वाला वोल्टेज जब तक सही नहीं आएगा तो हमारा पिक्चर ट्यूब पे लाइट नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है हमारा दोस्त लोगों को, जो आप टेंशन में आ जाते हैं, हमारा टीवी पे तो सब कुछ सही है लेकिन हमारा टीवी पे पिक्चर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है वो देख लीजिए। ये जो हमारा G2 का वोल्टेज इस पे आ रहा था जो 355-56, वो वाला जंपिंग करने के बाद, एक जम्पर देने के बाद, एक जम्पर देने के बाद हमारा इस पे कनेक्टेड हुआ था, ये जम्पर हमारा अंदर से खराब हो चुका है, इसीलिए जम्पर के इस साइड पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है लेकिन इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज दिख रहा है। ये वाला जम्पर सही नहीं है इसीलिए वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, एक छोटा सा ऑयल लेंगे, ऑयल लेके इस पे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा वोल्टेज की पिक्चर पे कितना जो डिफरेंस आता है वो देख लीजिए। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने एक ऑयल लिया और ऑयल लेके इस पे हमारा G2 से डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया हूँ, और कनेक्टेड करने के बाद मैं टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद हमारा EHT ऑन हो चुका है, और ऑन होने के बाद हमारा टीवी में पिक्चर देखिए, हमारा पिक्चर आना ही चाहिए। LG टीवी थोड़ा सा टाइम लेता है स्क्रीन ऑन करने के लिए, ठीक है। देखिए हमारा टीवी पे स्क्रीन आ चुका है, जो हमारा स्क्रीन का प्रॉब्लम था वो स्क्रीन का पिक्चर हमारा सही हो गया है। और एक बात देख लीजिए, हमारा टीवी पे जो इस पे वोल्टेज था, जो हमारा G2 पे वोल्टेज था जो 355, वो वाला वोल्टेज हमारा बेस पीसीबी पे बेस पे आ चुका है, और आने के बाद हमारा टीवी पे जो स्क्रीन नहीं था वो स्क्रीन भी आ चुका है और हमारा पिक्चर भी आ चुका है। मैं इस पे ये भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। जब मैं ये भी कनेक्ट कर देता हूँ, ये भी कनेक्ट करने के बाद इसको ए बी पे ऑन करना पड़ता है। देखिए मेरा ए बी पे पिक्चर भी आ चुका है, पूरी तरह से क्लियरनेस आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा स्क्रीन पे कुछ भी पिक्चर नहीं था, थोड़ा सा भी लाइट नहीं था, और हम मैंने जब चेक किया तो हमारा पीसीबी से सभी सिस्टम का वोल्टेज सही निकला। हमारा बेस पीसीबी पे देखा तो हमारा कलर का या हमारा RGB का सभी वोल्टेज सही दिखा, लेकिन हमारा G2 का वोल्टेज सही नहीं था। इनपुट तो हो रहा था लेकिन बेस पे आउटपुट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने ये ऑयल लिया, उसका जो जम्पर कट गया था उस पे जम्पर पे मैंने ऑयल लेके कनेक्ट करने के बाद हमारा वोल्टेज आज बेस पे वोल्टेज आ गया, और वोल्टेज आने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। दोस्तों इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।